हेलो दोस्तों, मैं नूर सभा, आपका स्वागत है मेरे चैनल नूर जायका में। दोस्तों कल बकरा ईद है और बकरा ईद में एक बारी मटन कीमा तो बनता ही है। आज मैं आसान तरीके से कुकर में मटन कीमा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से मेरे हौसले को मजबूती मिलती है कि मैं आपके साथ हर रोज वीडियो शेयर कर सकूँ। और हाँ दोस्तों, बेल बटन भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज आप सबसे पहले देख सकें। ये मैंने आधा किलो मटन कीमा लिया है, इसके साथ हमें लगेगी 3 मीडियम साइज की प्याज, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 बड़ा टमाटर, इसे भी बारीक कट कर लिया है। इसके साथ हमें लगेंगे कुछ मसाले, थोड़ी अदरक, 1 कली लहसुन, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 10 से 15 दाना काली मिर्च, थोड़ा स्टार फूल, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 3 लौंग, 3 इलायची, थोड़ी जावित्री, थोड़ा जायफल खुशबू के लिए, 6 से 7 हरी मिर्च। ये मैं सारे मसालों को पीसूंगी, मैं गरम मसाले पाउडर नहीं यूज कर रही हूँ। इसके साथ हमें लगेंगे कुछ खड़े मसाले जो हम खुशबू आने के लिए ग्रेवी में ऐड करेंगे, 5 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा स्टार फूल, 1 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने ग्रेवी को गार्निश करने के लिए थोड़ी हरी धनिया, थोड़ा अदरक बारीक कट कर लिया है, ये 3 से 4 हरी मिर्च, इसे बीच से कट कर लिया है, ये आधा कप रेगुलर कुकिंग ऑयल ग्रेवी को पकाने के लिए। सबसे पहले हम इन सारे मसालों को एक साथ पीस लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने मसालों को पीस लिया है। मैंने इसमें लगभग आधा कप पानी ऐड करके इसे पीसा है। हम मटन कीमा प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले कुकर में ऐड करेंगे तेल और हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तेल के गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे सभी खड़े मसाले। अब ऐड करेंगे प्याज। हमें प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। ये हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ये नमक। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन कीमा। एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको नहीं बताया था वो नींबू का रस। ये 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर देती हूँ। लीमू का रस ऐड करने से मटन की जो स्मेल होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है और थोड़ा जायका भी बढ़ जाता है। हम इन सारी चीजों को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें हम पीसे हुए मसाले ऐड करेंगे। जार में जो मसाला लगा हुआ है उसमें हल्का सा पानी डालकर इसमें ऐड कर दीजिएगा। एक बारी इसे अच्छे से चलाएंगे और अब कुकर बंद करके इसे 3 सीटी आने तक पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा ये मटन कीमा। अब इसे गार्निश कर लेंगे।
देखिए दोस्तों कितने कम समय में हमने कितना लजीज कीमा तैयार कर लिया है। आप भी इसे बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।